मन्नू के पापा वो ना क्या हुआ? अरे क्या हो गया? नाटक नहीं चलेगा आपका। तो चंडी चढ़ी इसकी बहन पे, इन्हें कुछ कह दिया दंदना तो इसके पास पहुंच जाएंगे। क्या हुआ लाड़ी, सुना नहीं मैंने। क्या बोलूं मन्नू के पापा, तुम्हारी बहन के नखरे ना बहुत ज्यादा है। खाना नहीं खाना, भूखी प्यासी बैठी मनाने गई थी ना जी, कल्ले छोड़ दो, कल्ले छोड़ दो, नहीं खाना। भूखी बैठी है ऐसा कैसे? मैं जाके देखता हूँ अभी। क्या कर रहे हो, बैठो। कहा ना उसने कल्ले छोड़ दो। बस को बात करने से कुछ होने वाला है नहीं। कह रही थी कल्ले नहीं छोड़ा ना तो जिंदगी भर खाना नहीं खाऊंगी। थोड़ी देर कल्ले छोड़ोगे ना तो अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा, अपने आप खा लेगी। चिंता ना करो तुम। तो मनाऊं भी नहीं? कहा ना उसने कल्ले छोड़ दो। नहीं, मैं एक बार जाके देखता। अरे मन्नू के पापा, कभी अपनी लाड़ी के पास भी बैठ जाया करो। क्या कर रही थी सुबह से? बस को रिपेयर करा था। भूख लगी है, खाना दो। पेट में कीड़े हो गए तेरे, जब देखो चटोरी गिरी। चिंकर कर 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 जा यहां से। मैं खाना लेके आऊं? बुआ, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं, जोर की भूख लगी है बुआ, लेकिन मम्मी ने भी बाहर निकाल दिया कि कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। लेकिन ये पेट के चूहूंगा क्या करूं, ये तो चुप ही नहीं हो रहे हैं। अरे पेट के चूहों को बोल कि दो मिनट का चैन कर ले बुआ ना, बस दो मिनट में तेरे लिए पराठे बना के लाते। हाँ अब चुप हो जाओ, तुम्हें खाना अब मिलने ही वाला है। चल पागल, मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? तू बैठ यहाँ। अरे सुनो, इधर आओ। जी सर। ये नक्शा किसने बनाया? तो साहब वही कि गली में जा रहा था, किसी का झगड़ा चल रहा था तो सुलझाने के लिए गया तो ये। नाम क्या है तेरा? देव। देव, ये मुंबई है, यहाँ दूसरे के फटे में पांव नहीं डालते। ये बबलू जी हैं, मलिक साहब के खास आदमी। नमस्कार। नमस्कार। अब जो तू मलिक साहब की कंपनी में यहाँ काम पे लग गया है तो जरा होशियार रहना, मौका मिला है, बेकार के पचड़ों में पड़कर खो मत देना इसे। कानून के दायरे में रहो और ठंड रखो। अब तो तू बस काम पे ध्यान दे, फिर कंपनी तुझे खिलाएगी भी और घुमाएगी भी। हाँ, ये रख ले मेरी तरफ से। अच्छी बात है, काम बोलता है। इसको टिकाओ कहीं, गोली वोली दिलाओ, जैसा आप कहो। थैंक यू सर, चलता हूं। बबलू जी, आप इस बंदे पे इतना मेहरबान क्यों हो? होली दिलाओगे इसे? हमें तो आज तक नहीं मिली। नजर रखनी है इस पर, पिस्तौल रख के घूम रहा है वो। मेरा एक वसूल है, दोस्त को पास रखो और दुश्मन को और भी पास, समझा? मलिक साहब के लड़कों के साथ पंगा नहीं चाहिए इसका। Thank you.
शराब के नशे में कमला के पास पहुंच गया था। कौन रोकता तुझे अगर मैं वहां नहीं होती तो? हेलो। हे बेबी। अच्छा सुनो, मैं बाहर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरी आज शाम की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। यू कैन रीशेड्यूल देम। उसके बाद मैं आज शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है। हेलो। हे। क्या हुआ, अपने हाथ का बनाया हुआ पास्ता नहीं खिलाओगी? और उसके बाद कुछ गर्मा गर्म? रिशान, एक्चुअली आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पे, सो आज नहीं हो पाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम एंटरटेन कर लो उनको, कॉफी शॉप ही बुलाकर 9-10 बजे तक भेज दो, मैं उसके बाद आ जाऊँ। नहीं, वो एक्चुअली वो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं तो लेट हो जाएगा, सो आज नहीं हो पाएगा, सॉरी। बड़े फ्रेंड्स पैदा कर लिए तुमने, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मना कर दो उन्हें। तुम्हें भी तो यही चाहिए ना, तो आई एम कमिंग टुनाइट। हे रसिका, मॉम ने ये क्यों कहा कि ये बात उनसे ज्यादा कौन जान सकता है? What does she mean? सही हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। तुमसे और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। अमला के बारे में सोचो, चार जानवरों ने उस पे हमला किया, एक मीट का टुकड़ा बना दिया तुमने उसे। अबीर, वो तो तुम्हारा दोस्त था ना, उसे तुमने बलि का बकरा बना दिया। तुमने तो ना इंसानियत निभाई ना दोस्ती। इवान, सुवीर, तुम तीनों ने एक बार भी पश्चाताप करने की कोशिश की? एक औरत पर रेप सिर्फ हमला नहीं, क्योंकि हमला सिर्फ एक बार होता है, पर रेप का दर्द कभी नहीं जाता। और ये बात मुझसे बेहतर और कौन? तुम ये ढूंढ रही थी ना,
अमला, अमला कल रात को तुम अपनी परजाई को तो जानती हो ना, बात कोई भी है वो उसका बहुत बड़ा कांड बना देती है। देखती सोचती कुछ भी नहीं, बस शोर मचाती है। मिये, तुम जानती हो ना, मेरे लिए जैसा अबीर है वैसी ही तुम हो। मैं उसकी गलती की तरफदारी नहीं कर रही हूं, पर कल रात को उसके मन में कुछ और था। जब तुमने खाना फेंका तो उसे बहुत दुख हुआ और वो अपने इस दर्द में शायद अपनी जगह भूल गया था। अमला, ये उसका प्रायश्चित है, पर कभी कभी भुक्तभोगी भी अपनी गलतियों को भूलना चाहता है, अपने दर्द को मिटाना चाहता है। उसका कोई गलत इरादा नहीं था अमला। वो इंसान ही गलत है तो उसके सारे इरादे गलत ही हैं। आप बहुत करती हैं मेरे लिए, और उसके बारे में मेरे से बात मत किया कीजिए। आपका माँ का दिल है, उसके लिए पसीजेगा ही, पर मेरे को ना उसका दर्द देखना है ना सुनना। अपने बड़े दिल की उम्मीद मेरे से मत कीजिए ना। काफी नहीं है क्या कि रोज एक ही छत के नीचे उसके साथ रहना पड़ता है? तेरा प्रायश्चित बहुत लंबा है अबीर, बहुत लंबा। एकदम से फोन क्यों काट दिया? कौन था? कोई नहीं। या फिर मुझे देख के फोन काट दिया? Are you fine? Yeah, I'm fine. वो बस थोड़ा काम था। तो दोस्त यार तुम्हारा, बता सकती कौन था वो? रसिका, अब समझ में आया कि फोन क्यों काटते हैं। अब सॉरी चाचू, आप दोनों को बहुत सारी बातें डिस्कस करनी होगी, सो आई टेक योर लीव। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही, काम करो। रसिका, मुझे उदयपुर वाले प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए। तुम्हें इंटरकॉम पे कॉल किया था, यू डिडंट टेक द कॉल। सॉरी सर, ये लीजिए फाइल। और तुम तक आना मेरा काम नहीं है, नेक्स्ट टाइम रिमेंबर दैट। एक बात और, तुम यहां ऑफिस में काम करने आती हो, टाइम पास करने नहीं। सॉरी सर। डैम यार रसिका, डैम कहां फंस गई हो यार तुम? पर्सनल सेक्रेटरी वो भी इस आदमी के। भगवान करे ऐसा बॉस मेरे दुश्मन को भी ना मिले। इस आदमी को ना इज्जत देना आता है ना प्यार। तुम एक इंडिपेंडेंट वर्किंग लेडी हो, मुश्किल होता होगा नहीं अपने बॉस के सामने खड़ा होना? यू नो व्हाट आई मीन राइट? इसलिए कहता हूं, जब भी दोस्त की जरूरत पड़े याद कर लेना।
चल क्या रहा है वो? हाँ? पागल हो गया तू? हाँ समझ में आ रहा है कि उस लड़की के ख्याल तुझे सता रहा है and all that. But that from nowhere means कि तू अपने आप को ऐसा खत्म करेगा. Bro, chill कर, संभाल अपने आप को. समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है. मुझे उस लड़की के सपने नहीं आते. मैं अपने आप के साथ ही नहीं जी पा रहा हूं. ये जो मैं बन गया हूं इसका क्या करूं मैं? मुझे अपने आप से इतनी नफरत होती है ना इवान, कि मेरा मन करता है कि मुझे पता है मैं आईने के सामने जाने से डरता हूं. खुद से नजर नहीं मिला पाता. इसी एक क्रिमिनल रेपिस्ट. सच तो मैं जेल ही चला जाता. ये की सजा पाता तो आई कुड हैव लिव्ड विद माय सेल्फ. हेलो हेलो चुप चुप. जेल जाना है भाई सबको. ब्रो हमने उसका मर्डर नहीं किया है. शी इज फाइन. उसने शादी कर ली. इट इज कंप्लीटली ओके नाउ. यार सब खुश है. सुवीर की शादी होने वाली है भाई से. मामा जी ने अभी को अच्छे खासे पैसे दिए. अच्छे खासे. यार एवरीवन हैज गॉट ओवर इट. व्हेन द हेल विल यू गेट ओवर इट ब्रदर? गेट ओवर इट? इवान हमने जो किया है ना इट हॉन्ट्स मी एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माय लाइफ. I can't take it out of my head. I can't. Anu. Yeah, yeah, Suvir. फिर मैं यहाँ पे विराज के साथ अपने पैड पर हूँ यार. ब्रो यू नीड टू कम हियर अर्जेंटली मैन. विराज की सीडी फिर से अटक गई है. डॉक्टर ने इसे पीने से मना किया. ये कि दिन रात नशे में है यार. ब्रो नशे में क्या कर देगा? कुछ पक देगा यार. तू प्लीज यहाँ पे जल्दी आ जा यार. डूड वो मुझसे नहीं संभलता यार. तू ही देख ले भाई. ब्रो सारा काम मेरा नहीं है. सिक्योरिटी मिलती है तुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं संभालू. तो ये मलिक खानदान का राजकुमार बनना बंद कर और यहाँ पे आ. मेरे साथ विराज को संभाल. फाइन ठीक है चिल्ला मत. आ रहा हूँ. खराब हो गया? अरे नहीं नहीं मासूम. वो पुराने वाले सिम डाल के देख रहा था मैं कि किसी का फोन या मैसेज तो नहीं आया. हमें कौन याद करेगा? पुराने तो सारे कनेक्शन बंद हो गए. किसी को नहीं पड़ी है हमारे. जी क्या लगता है फोन बंद करने से तू बच जाएगा? अरे कब तक छुपेगा साले? दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा. घसीट के निकालूंगा तुझे. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.